بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم आज सुबह में गौर फिक्र में था कि क्या गुफ्तगू की जाए कि उसी वक्त अचानक ये याद दहानी हुई किसी जरिए से कि आज ही के दिन 2 साल पहले हमारे नाना रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें आप सब मुफ्ती साहब के नाम से याद करते हैं वो आज ही 14 जनवरी 2020 को इस दुनिया से रुखसत हुए थे। जाहिर है तारीख वफात के हवाले से कोई मजलिस करना ये तो कोई चीज नहीं। सरसरी तौर पर जहन में बात आ गई इसलिए मैंने आज ये सोचा कि कुछ उनके बारे में अर्ज किया जाए। अल्लाह का मुझ पर ये बहुत बड़ा फजल करम हुआ और अल्लाह की खास तौफीक हुई कि अल्लाह ताला ने अपने इस कमजोर बंदे से हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद ये काम लिया कि उनकी जिंदगी को उनकी सवाने को अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब की शक्ल में मैंने तैयार किया और जनवरी में उनका इंतकाल हुआ था और अगस्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं कि शायद हुई थी और बहुत लोगों तक पहुंची शहर में भी और शहर के बाहर भी 400 सफहात पर मुश्तमिल हजरत मुफ्ती साहब की जिंदगी के सारे पहलुओं को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जमा करने की कोशिश की गई जितना अल्लाह ने तौफीक दी। लेकिन जबानी तौर पर सिलसिले में कोई खास गुफ्तगू कभी करने का मौका नहीं मिला। जाहिर है कि उनकी जिंदगी कितनी मिसाली थी और कैसी आला दर्जे की इख्तियात वाली और तकवे वाली जिंदगी थी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों से छुपी हुई। अल्लाह का ये निजाम है कि जो बंदा अपने कमालात को छुपाता है अल्लाह उसके कमालात लोगों पर जाहिर फरमा देते हैं और पूरा शहर इस पर गवाह है कि जिस तरह मोहब्बत और अकीदत के साथ लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की या उनके साथ अपने ताल्लुक का इजहार किया ये अल्लाह की तरफ से होता है। बंदे का इसमें कोई कमाल नहीं होता, किसी के बस में नहीं होता कि कोई इंसानों के दिल में अपनी मोहब्बत खुद से पैदा करे। अल्लाह पैदा करवाते हैं और दीन की निस्बत पर अल्लाह ताल्लुक डालते हैं। अब उनकी जिंदगी के सारे पहलुओं का तो जाहिर है लिहाजा नहीं हो सकता एक छोटी सी मजलिस में एक छोटे से बयान में। मैंने आज सुबह ही गौर फिक्र किया और जो कुछ उनकी सवाने में मैंने नकल किया था जो कुछ खुद देखा था वो सब नकल किया। खानदान के बुजुर्गों से जो कुछ मालूम कर सकता था वो सब मालूम करके नकल किया। उनके
लाइफ ऑफ फायर, बहुत से शागिर्द थे, उन शागिर्दों से जो कुछ मालूम कर सकता था वो सब नकल किया। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुदूत मुझे मिले और इस सिलसिले में हमारे मामू ने बड़ी इनायत की, वो सारे खुदूत इस किताब में नकल किए। और शायद आप लोगों के लिए हैरत की बात हो कि मुफ्ती साहब अपने इब्तदाई दौर में शायरी किया करते थे, उनकी शायरी के सारे जो नमूने मौजूद थे वो मैंने नकल किए। उन सबको सामने रखकर मैंने उनकी जिंदगी के चार पहलू बहुत नुमाया देखे। खुसूसियात हर इंसान में होती हैं और कुछ लोग खुसूसियात का मजमूआ होते हैं, कोई शक नहीं कि वो खूबियों खुसूसियात कमालात सिफात का मजमूआ है, लेकिन उनकी जिंदगी के चार पहलू इतने जबरदस्त हैं कि अगर वो हमारी किताबों के सामने हो और उन खूबियों को हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला हमको एक मिसाली इंसान बना दे। मैं ज्यादा तमहीद बांधने के बजाय सीधे उन्हीं खूबियों पर बात करना चाहता हूं और इसलिए बात करना चाहता हूं ताकि हम और आप अमल की नियत से उन पहलुओं को सुने और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। उनकी जिंदगी का एक बहुत नुमाया पहलू और बस जिसका शहर का एक एक फर्द गवाह है वो उनकी जिंदगी की जोहद और कनाअत की होगी। अल्लाह ताला ने उनको जो हैसियत जो मुकाम अता फरमाया था वो उस हैसियत और उस मकाम को अपनी दुनिया के फायदे के लिए बहुत इस्तेमाल कर सकते थे, सारे मौके उनके पास थे, लेकिन जिन लोगों ने उनकी जिंदगी का रहन सहन देखा है, उनका घर देखा है, वो हैरान रह जाते हैं कि एक शख्स जो 50 साल शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम खतीब रहा, पूरा शहर उनको सबसे बड़ी हैसियत से कबूल करता, इस सब के बावजूद अपनी जिंदगी में ऐसी जाहिराना सादगी वाली जिंदगी गुजार लेना ये करामत है, इस दौर में करामत। मुझे खूब याद है कि उनके इंतकाल के बाद जब उनका जनाजा घर में रखा हुआ था तो शहर के बड़े बड़े ऑफिसरान और लीडरान सब आ रहे थे। बालीगंज SSP जब आए और अगले दिन MP भी आए थे तो वो मबहूत रह गए, यकीन उनको नहीं हो रहा था कि ये मुफ्ती साहब का घर है। एक छोटा सा कमरा जिसमें दो पलंग रखने के बाद एक अलमारी की जगह भी मुश्किल से बनी, एक छोटा सा बरामदा जिसमें दो तीन तख्त अगर लग जाए तो बस बीच में खड़े होने की जगह बाकी है, एक किचन जिसमें दो औरतों के बाद तीसरी औरत की भी गुंजाइश थी और सिंजा खाना और गुजर खाना। इतना छोटा इतना सादा तो उनको यकीन नहीं हो पा रहा था कि कोई इतना बड़ा आदमी जिसको शहर में ऐसी मर्जियत हासिल है वो इतनी जाहिराना जिंदगी गुजार सकता है। वो नहीं समझ रहे थे कि ये तो सब किताबों के किस्से हैं, कहानियां हैं, हकीकत में इस तरह की जिंदगी गुजारने वाले अब नहीं होते। ये उनकी जिंदगी का वो पहलू है
जो हमको ये सिखाता है कि इंसान को हर हाल में कनाअत करनी चाहिए, जो अल्लाह अता फरमाए उस पर राजी रहना चाहिए। लालच, हिर्स, तमा जब ये इंसान के अंदर पैदा होती है तो इंसान जायज और नाजायज की तमीज भूल जाता है। इसका मकसद ये नहीं है कि कोई इंसान अच्छी जिंदगी गुजार नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि अल्लाह जायज और हलाल तरीके पर जितना दे उतने पर इंसान बनाए। कभी उनकी जबान से किसी ने शिकवे शिकायत नहीं सुनी, कभी ऐसे जुमले नहीं सुने होंगे कि मुझे बड़ी बड़ी तमन्नाएं हैं लेकिन फला फला रुकावटें हैं जिसकी वजह से मेरी फला जरूरत या फला मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। बहुत सख्त हालात से उनको गुजरना पड़ा। मैं घर का फर्ज, सख्त हालात हर किस्म के आए हैं लेकिन उनमें उसी जोर और कनाअत पर खुश होकर राजी होना ये अल्लाह के महबूब होने की आलामत है। अल्लाह के फैसले पर जो बंदा राजी रहना सीख जाता है उस बंदे को बंदगी का कमाल मिल जाता है। और इंसान अगर कनाअत नहीं जानता और कनाअत की सिफत उसके अंदर नहीं है तो उसकी जबान पर हर वक्त शिकवे और शिकायतें रहती हैं। अपनी तकलीफों और मुसीबतों और परेशानियों और तंगियों का रोना रोता रहता है लेकिन अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने वाला इस हकीकत को जान लेता है कि अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह की तरफ से रिज़्क और रोजी के फैसले अल्लाह ताला जिसको जितना चाहते हैं आता फरमाते हैं, वो हलाल और जायज तरीकों से अपनी जरूरियात पूरी करने की कोशिश तो करता है लेकिन बेसब्रा होकर नाजायज और हराम रास्तों पर कभी एक लम्हे के लिए उसका गुजर नहीं होता। उस ज़ोहद और तलाक की मिसाल ही थी उनकी ये बातें कि वो इतने हसास थे मामलात की सफाई में कि एक रुपया भी किसी का गलत तरीके पर मेरे पास नहीं आना चाहिए। यहां तक कि मदरसे के जिम्मेदार थे, मदरसे के सब कुछ थे, उसके बावजूद इतनी एहतियात मदरसे के माली मामलात में फरमाते थे एक पैसे का कोई हिसाब गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी अमानत नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, ये मेरा माल नहीं है, ये कौम ने और उम्मत ने मदरसे के लिए और दीन की खिदमत के लिए दिया है, इसका कोई एक रुपया भी ज्यादती के साथ मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे वाकयात मुझे इस सिलसिले में मालूम है कि अगर मैं उनकी तफसीलात अर्ज करूं तो पूरा वक्त इसी में गुजर जाए। मदरसे की सीढ़ी अगर इस्तेमाल की तो उसका किराया खुद अपने मदरसे में अपनी जेब से अदा की। इस दर्जे की इख्तियार, इस दर्जे का अल्लाह का डर कि कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए, अपने तमाम हालात के बावजूद ज़ोहद और कनाअत ये इंसान की और अल्लाह वालों की सबसे बड़ी खूबी कि अल्लाह ताला अगर उनको वुसअत के साथ रोजी देता है तो वो सर तापा शुक्र बन जाते हैं और अगर अल्लाह ताला अपनी मसलहतों की वजह से उनको बहुत वुसअत के साथ रोजी और रिज़्क नहीं देता तो वो सर तापा सब्र रिजा और तस्लीम बन जाते हैं। उनका पूरा वजूद इस बात पर राजी रहता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं उस पर राजी हूं और खुश हूं,
मैं किसी भी नाजायज तरीके से अपने माल में इजाफे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं दुनिया में झूठ बोलकर, धोखा देकर, खयानत करके, ज्यादती करके एक रुपया कमा सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह के दरबार में इस एक रुपए का किस तरह हिसाब दूंगा, ये फिक्र, ये डर, ये अल्लाह के सामने हाजिरी का इस्तेहजार उनको तकवे पर, सब्र और कनाअत पर, ज़ुहद और इस्तिग़ला पर कायम रखता है। और इस दर्जे की कनाअत ही अल्लाह को कामयाब करती है। शहर के ही एक बहुत मालदार शख्स, मैंने ये वाकया इस किताब में नकल भी किया है, एक मरतबा हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा कि मदरसे के बच्चों को हमारे यहां क्या होती है, कुरान खानी के लिए मिलती। फरमाया कि भाई मेरा उसूल यह है कि मैं मदरसे के बच्चों को कहीं भेजता नहीं, आप बता दें बच्चे यहां कुरान पढ़ेंगे, यही दुआ हो जाएगी, बच्चे मदरसे के कहीं जाएंगे नहीं। तो उन्होंने तकब्बुर के साथ कहा कि मैं हर साल आपके मदरसे को बड़ी रकम, इतने पैसे देता, बड़ी नाकदरी की है शहर वालों ने। ऐसा नहीं है, उनका सब्र था और उनका हिल्म, उनकी बुद्धिमानी थी कि उन्होंने कभी इन चीजों को आम नहीं किया। कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम आपकी मदरसे को हर साल देता हूं, आप मना कर रहे हैं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जेब से अलमारी की चाबी निकाली, अपनी डेस्क खोली और जितने सालों से वो पैसे दे रहे थे उतने पैसे निकाले और कहा ये आपके पैसे आपके हवाले हैं, आइंदा आप मेरे पास ना आए। आदमी जरा तसव्वुर करें कि मदरसा चलाना आज के दौर में कोई हंसी खेल नहीं है। और फिर ऐसा मदरसा, इसको हर वक्त टेढ़ी निगाहों से देखा जाता, उस वक्त इतनी बड़ी रकम को एक बार में हवाले कर, ये वही कर सकता है जिसको ये यकीन हो कि मदरसा इन मालदारों के माल से नहीं चलता, अल्लाह के फैसले से चलता है। इनकी क्या हैसियत है, अल्लाह चाहेंगे तो कान पकड़ कर इनके माल को लड़वाएंगे। किसी की मालदारी का वर्रा अल्लाह वालों को कभी मुतासर नहीं कर सकता। बहरहाल ये वो इस्तेमाल था कि मखलूक की जरूरत नहीं है, आपने दिया तो अल्लाह के लिए दिया और आपको अगर अपना नाम मखलूक है तो आपके पैसे आपको नमार किसी की जरूरत। ये उनकी जिंदगी का वो पहलू था जो बहुत ताकतवर था, जोर कनाअत इस्तेमाल अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हमारा। दूसरा उनकी जिंदगी का, मैं मुख्तसर मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, दूसरा उनकी जिंदगी का पहलू सब्र और इस्तेमामत। बड़े बड़े तूफानों के साथ उनको टकराना पड़ा है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि उनकी बर्दाश्त थी, उनका इल्म था, उनकी बुद्धिमानी थी कि उन्होंने अपने ऊपर आने वाले हालात का कभी इजहार नहीं किया। कभी एक मरतबा वो किसी जुमे में अपने ऊपर आने वाले हालात को बयान कर देते तो पूरा एक पूरी तस्वीर बदल जाती, क्योंकि आवाम उनके दीवाने थे, लोग उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। बहुत कमी कमी बातों को उन्होंने इस तरह पी लिया जिस तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें उर्दू में अपना नाम लिखने की तमीज नहीं है, उन्होंने इस तरह की बातें की कि वो तो कहीं पढ़े ही नहीं है,
पढ़ाई नहीं है, तो आलू भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, तो मुर्गे भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिना वजह यहाँ आके तमाशा कर रहे हैं नाउज़ बिल्लाह। ये ऐसी बातें करने वाले बात बोलो थे तो उर्दू में अपना नाम नहीं लिख सकते। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली, अपनी का अपने अपनी अलमारी खोली, अपनी सनद निकाली, उसकी फोटो कॉपी करवाई, आदमी को बुलाया, कहा कि ये फला साहब को ले जाकर दे दीजिए ताकि उनको जो बेइत्मीनानी है वो बेइत्मीनानी उनकी दूर हो जाए। आज के दौर में कोई इतनी बर्दाश्त कर सकता है? ये वही इंसान कर सकता है जो अंदर से बिल्कुल पाक साफ, जिसके अंदर तकब्बुर गुरूर घमंड ना हो, और जो इन चीजों को बहुत मामूली समझता हो, उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि मुझे सब्र और इस्तेकामत के साथ काम करना है, और जब इंसान काम करेगा तो हालात तो आएंगे, हर तरह के हालात आएंगे, माली हालात भी आएंगे, इज्जत नफ्स पर भी हमला किया जाएगा, बहुतान भी लगेंगे, इल्जाम भी लगेंगे, झूठी बातें भी उड़ाई जाएंगी, उन सब बातों को मुझे बर्दाश्त करना है, इसलिए कि मुझे इन बच्चों को जो यहाँ रह रहे हैं इन्हें अल्लाह और रसूल का इल्म सिखाना है, मस्जिद की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, दीनी एतबार से लोगों के काम आना है, और इस रास्ते में हर मुखालिफत और हर तकलीफ और हर परेशानी को मुझे अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त करना। इस तरह के न जाने कितने हालात, और मैं हालात को तूफान का नाम दूंगा, कोई और होता तो कदम लड़खड़ा कर लेता, कोई और होता तो दो में से एक काम होता, या तो हर वक्त के झगड़े रहते या वो छोड़कर चंद महीनों में चला जाता। हम इस शहर में नहीं रह पाए, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी बर्दाश्त, उनका सब्र, उनका अल्लाह के दीन की मेहनत पर इस्तेकामत का जज्बा, 50 साल इन हालात के दरमियान उन्होंने इस तरह अल्लाह के दीन की खिदमत की और शहर को ऐसी सरपरस्ती दी जिसका एहसास शहर वालों को उनके जाने के बाद होगा। हम उस कौम के साथ रहते हैं जो मरने के बाद तस्वीरें बना बना कर इबादत किया करती, तो हमारे अंदर वही आदत है, हम जिंदों की कदर नहीं जानते, हम मरने के बाद उनकी कदर जानते हैं, मरने के बाद उनके लिए ताजियत की जलसे करते हैं, मरने के बाद उनकी फजीलत को बयान करते हैं, और जब तक वो अल्लाह के बंदे जिंदा होते हैं उस वक्त तक उनकी नाकदरी में कोई कसर हम बाकी नहीं रखते। ये हमने से अक्सर कहा है सब्र इस्तेकामत, मुझे काम करना है, मुझे अल्लाह के बंदों को, इन बच्चों को, इन तलबा को दीन सिखाना है, इल्म सिखाना है, मुझे शहर के आवाम की खिदमत करनी है, उनको उनकी दीन रहनुमाई करनी है, की जिम्मेदारी, और इसके लिए रात रातों को जागना भी पड़ता है, इसके लिए बड़े बड़े बोझ उठाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़े बड़े हालात कि मैं खुद सामने आना पड़ता है। ये सब वो पूरी अपनी इस अपने इस दौर में इस शहर के लिए और पूरी मिल्लत के लिए, बल्कि शहर के तमाम लोगों के लिए वो ये खिदमत अंजाम देते। तीसरी उनकी जिंदगी की बड़ी खसूसियत थी इस्लाह और तरबियत। इस्लाह और तरबियत वही इंसान कर सकता है जो खुद इस्लाह और तरबियत के मरहलों से गुजर कर आया। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जवानी के दौर में जब वो इलाहाबाद में थे, जिस तरह अपने शेख व मुर्शिद हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अपने को मिटाया, वो अपने नाम के आगे इसीलिए वसीउल्लाह ही लगाते थे, जिस तरह अपने शेख के सामने अपने को फना किया, अपने को मिटा दिया और अपनी इस्लाह की ऐसी कोशिश की, शायद हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस किताब में मैंने हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो सारे जितने खुदूत मुझे मिल सकते थे वो सारे खुदूत मैंने नकल किए जो उन्होंने अपने शेख को लिखे हैं, और उनसे अपनी इस्लाह चाही है, उनसे अपना इलाज पूछा है। एक आध खत में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि किस तरह अपने शेख को अपनी अपने
बारे में बताते थे कि मुझे अब ये लगता है, अब मेरी इस्लाह कैसे होगी, अब मेरे अंदर से ये कमी कैसे दूर होगी, ये उस उम्र में ये काम किया जो उम्र खेलने कूदने की हम समझते हैं, जो उम्र एंजॉयमेंट की हम समझते हैं। इलाहाबाद में उनका जो ध्यान था वो बिल्कुल नौजवानी की उम्र थी, उस उम्र में अपनी इस्लाह और अपनी तरबियत के लिए इस तरह अपने शेख के सामने उन्होंने अपने को बिल्कुल फना कर दिया था। ये वो शौक है और ये वो मिजाज है जो अब हमने हमारे अंदर बाकी नहीं रह गया। हम ये सब चीजें जानते भी नहीं, हम बहुत ज्यादा अगर जानते हैं तो बैठ होना जानते हैं कि भाई किसी शेर से बैठ हो जाओ, बैठ होने का मतलब बहुत ठीक है, तो तस्वीर भी बता देंगे, वो कभी कभी पढ़ लो बात खत्म हो गई। ये है वो हकीकी तसव्वुफ और ये है बैठ और सुलूक का वो हकीकी मतलब कि अपने को पेश कर दिया जाए अपने शेख के सामने, मेरी ये कमियां हैं, मैं ये अपने अंदर कोताहियां पाता हूं, मैं किस तरह इन कमियों को दूर करूं। एक खत में अपने शेख मुर्शिद को हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बखिदमत अक्दस जनाब हजरत मौलाना साहब अदामल्लाहु ज़िल्लकुम, कभी नाम नहीं लिखा अपने शेख का, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब तक आजनाब से बहुत से मुआहिदे किए और उससे जो बातें हासिल करनी चाहिए थी वो नहीं हासिल की और अक्सर खुदूत में ये जाहिर किया कि मैं आपके फरमाए हुए अहकाम पर अमल करता हूं। दूसरी बात ये कि मैंने यहां का मकसद सिर्फ जाहिरी इबादत को समझ रखा था, यानी नमाज रोजा मैं ये समझता था कि बस यही इबादत, और असल इबादत जो बातनी अमराज का इलाज है उसको मैंने कोई अहमियत नहीं दी, जो मेरी अपनी कमफहमी की दलील है। अब मैं हजरत से दिल खोल कर वादा करता हूं कि जब जो हजरत फरमाएंगे, यानी इखलास को वसी करना, खुलूस पैदा करना वगैरह के लिए खुद भी दुआ करूंगा और हजरत से भी दुआ की दरखास्त। हम अपने शेख से अपने पीर से अगर कभी कुछ अर्ज करते हैं तो क्या जरा हम कम आ रहे हैं, हजरत दुआ फरमा दीजिए, फला काम नहीं हो रहा है दुआ फरमा दीजिए, ट्रक फंस गया है दुआ फरमा दीजिए, चंगल नहीं उतर पा रही है दुआ फरमा दीजिए, ईंटें नहीं चढ़ पा रही है दुआ फरमा दीजिए। हमारी दुआओं का मेहर ही दो चार बातें अपने कारोबार अपनी मुलाजिमत अपने घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो असल मकसूद है कि मेरे अंदर की बुराइयां खत्म हो, मेरे अंदर अच्छाइयां आए, मैं नेक बनूं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन सच्चों के साथ अच्छों के साथ रहो, ये रहना क्यों कहा अल्लाह ने, ताकि उनके साथ रहकर उनकी अच्छी आदतों को अपने अंदर उतार सको और अपनी बुराइयों को उनकी निगरानी में दूर कर सको। ये चीज हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती। इस तरह अपने आप को इस्लाम के मरहले से गुजारा है, सारे 80-90 हुदूद हैं और ऐसे ऐसे खत हैं, इस तरह अपने को लिखा है, मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे रियाकारी होने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी नमाज देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं, क्या मेरी नमाज कबूल होती भी है या नहीं होती, मैं तिलावत करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, क्या मेरा ऐसा लगना ठीक है या नहीं, मैं घर पे आता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाता है और ये मेरी बड़ी कमजोरी है, इसका इलाज कैसे होगा। हर खत के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात पूछकर अपनी इस्लाह की कोशिश की है। ये मकसद ये नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां थी, ये जब इंसान तकने वाला होता है उसको अपनी जरा सी कमजोरी भी उसको ये लगता है कि बहुत बड़ी गलती मुझसे हो रही है। और हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह इस्लाम फरमाते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हो, अब तुम्हें यह करना चाहिए, अब तुम्हें यह करना चाहिए, अब तुम्हें यह करना चाहिए, और जिस तरह वो बताते रहते थे उस उम्र में उसी के मुताबिक अमल फरमाते रहते। ये 15-16-17 साल अपने शेर की खिदमत में जो हाजिर रहकर इस्लाम तरबियत के दिन मराहिल से गुजरे थे, उसके बाद इसी किताब में वो अरबी मैंने नकल किया है जो हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से लिख कर दिया, मैंने उसका फोटो भी इस किताब में लगाया है, जिसमें हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब ने फिर ये लिख दिया कि अब मुझे इत्मीनान है, अल्हम्दुलिल्लाह
तुम मेरे ही रास्ते पर हो और तुमको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। ये अल्लाह वालों की तरफ से फिर सनद मिलती है, ये उनकी तरफ से फिर इत्मीनान का इजहार होता है। और बड़े बड़े लोगों की तरफ से इसी तरह की जो बातें हैं वो सब नकल की है। तो जब इस्लाह और तरबियत के इन मरहलों से गुजर कर आए थे तो वही इस्लाह और तरबियत का मरहला, वही इस्लाह और तरबियत का अंदाज अपने छोटों के लिए भी उनके याद। छोटी छोटी बातों पर इस्लाह फरमाते, छोटी छोटी बातों पर मुतवज्जे फरमाते, छोटी छोटी बातों पर नजरअंदाज नहीं फरमाते थे। जरा जरा सी चीजें, कैसे बैठो, कैसे उठो, कैसे खाओ, कैसे दस्तरखान लगाओ, कैसे चलो घर में, कैसे आओ, कैसे बाहर निकलो, एक एक बात पर मुतवज्जे करना, टोकना, डांटना, ये उनके मिजाज में था ताकि छोटे उनके बेहतरीन नमूने के इंसान बन सके। एक आम लोगों के साथ मामला होता है, वो मामला तो ऐसा था कि आदमी कुर्बान रहता था मोहब्बत का, शफ़क़त का, लेकिन जो उनकी निगरानी में आता था, जो उनका शागिर्द बनता था, जो उनके घर के छोटे थे, उनके साथ मामला सिर्फ वो ही नहीं था, बहुत शफ़क़त और मोहब्बत थी, लेकिन एक एक चीज की फिक्र थी। अगर कोई अच्छा काम किया है तो फौरन इनाम भी मिलना है, फौरन शाबाशी भी मिलनी है, फौरन अच्छे अच्छे जुमले भी मिलने हैं जिससे उसके अंदर अच्छे अच्छी अच्छी बातों में और उसके इजाफा हो, और अगर कोई गलती है तो उस पर टोका भी जाए, उस पर मुतवज्जे भी किया जाए, उस पर तंबीह भी की जाएगी ताकि वो गलती उसके अंदर से निकल जाए। और जो जो भी खालिस अल्लाह के लिए ये करता है तो अल्लाह ताला फिर उसके छोटों के दिल में उसके लिए वही वही जज्बात अच्छे कर देते हैं। या हमारी इस्लाह जाते हैं, हमारे वालिद साहब नज़रुल्लाह अक्सर ये वाकया सुनाते हैं कि एक जब वो हाफ़ा करते थे और जामा मस्जिद जाते थे, उन्होंने अपने मज़मून में उस बातें को नकल भी किया है। तो एक दिन हमारी दादी मोहतरमा ने नाश्ते में शायद दलिया बनाई या कोई ऐसी चीज बनाई जो थोड़ा आम समझी जाती थी, और वो एक दो दिन से बन चुकी थी। तो वालिद साहब ने उस दिन कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा। तो हमारी दादी मोहतरमा भी तबीयत के मामले में बड़ी सख्त थी, उनका नहीं खाना है, मत खाओ, और अब एक हफ्ते तक यही बने ताकि तुम देखते हैं कब तक नाश्ता नहीं करते हो। खैर, छोटे चचा मौलाना आदम मुस्तफा साहब भी सांची में जाते थे जामा मस्जिद, तो दादी ने पर्चा लिखा मुफ्ती साहब को, हमारे नाना को, कि हमारे वालिद साहब के बारे में कि इन्होंने आज नाश्ते में ये चीज खाने से इनकार किया है, आप जरा इन पर तंबीह फरमाएं, इनको समझाएं कि ये अच्छी बात नहीं है। चचा ने आकर खामोशी से वो पर्चा नाना को मुफ्ती साहब को दे दिया। खैर, वालिद साहब सबक सुनाने गए तो नाना हमारे कहने लगे कि अरे भाई तुम्हारी आवाज बड़ी हल्की निकल रही है, क्या बात है यार, तुमने नाश्ता नहीं किया। वालिद साहब चौंक गए कि इनको कैसे कष्ट हो गया, मैं नाश्ता करके नहीं आया। कहा कि बहुत हल्की आवाज है, क्या बात, नाश्ता नहीं करके आया। तो कहने लगे जी ने नाश्ता नहीं किया। कि क्यों नहीं किया, झूठ बोलने की आदत नहीं थी। तो सच सच बात बता दी कि वालदा ने फला चीज बनाई थी और रोज वो बना देती हैं और मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने आज मना कर दिया। और उसके बाद कहा किताब बंद करो, और 15 मिनट तक कितनी मोहब्बत से समझाया कि अल्लाह के रिज़्क की नाकदरी नहीं करते हैं, जो बनता है वो खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये वालदा का, माँ का एहसान है कि वो तुम्हारी तालीम की फिक्र कर रही हैं, तरबियत की फिक्र कर रही हैं, और तुम इस नाकदरी करोगे तो डबल गुनाह है, रिस्क की नाकदरी का गुनाह भी है, माँ का दिल दुखाने का गुनाह भी है। वालिद साहब खुद कहते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कभी मेरी जबान से ये नहीं निकला कि मैं फला चीज नहीं खाता या फला चीज मुझको नहीं पसंद। ये इस्लाह और तरबियत का वो मिजाज है। 500 वाक्यात इस मौजू पर है जो खुद मुझे याद है, जो खुद मुझे याद है और मुझे अच्छी तरह से। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जब हमारी खालाओं की के निकाह हुए और शादियां हुई तो सबको नज़्म में रुख्सतियां लिख लिख कर नाना ने मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दी। और हमारी वालदा का निकाह हुआ तो उस वक्त वो शायरी छोड़ चुके थे, तो उनको इसी तरह हाथ से एक पैगाम लिख कर दिया, उसमें भी ऐसी ऐसी नसीहत की बातें लिख कर दी हैं कि हैरानी होती है कि हर वक्त इस बात की फिक्र थी कि मेरे बच्चों की तरबियत
सही महज पर हमारी वालदा को जो नसीहतें लिखकर दी थी उनमें बहुत इत्तेमाल से लिखा था, बेटी दुनिया में इज्जत किससे मिलती है कि अपनों से या बेगानों से कभी बदमिजाजी से पेश ना आओ, उनसे जलन ना करो, किसी के कुछ कहने सुनने का बुरा ना मानो, चाहे वो सच बोले या झूठ बोले, अपने आराम को मारकर दूसरों को आराम पहुंचाने की कोशिश करो, लेन देन में दूसरे का हक कभी ना मारो, पराए माल पर नियत कभी बुरे ना करो, आखिरत में उस इज्जत उससे मिलेगी कि नमाज और कुरान बराबर पढ़ा करो और अच्छे अंदाज से नर्म लहजे में घर के बेनमाजियों को नमाज और कुरान पढ़ाओ। कहीं आगे लिख कर दिया, घर में जब भी कोई चीज तुम्हारे पास आए फौरन साफ साफ पूछ लो ये किसकी मिल्कियत है, हर चीज के बारे में सबको साफ बता दो ताकि सबको मालूम रहे कि कौन सी चीज किसकी मिल्कियत है और किसके पास है। एक जगह लिखा, अगर तुम घर वालों के दिल में जगह लेना चाहती हो तो 3-4 बरस तक अपनी पसंद अपनी मर्जी अपनी राहत मिटाकर घर के जिम्मेदार की खुशी और पसंद पर चलो, हम सबको भी बहुत कम याद रखो। ये वो नसीहतें हैं जो आज कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपनी बेटी को रुख्सती के वक्त को ये कहे कि बेटी जाते हुए 3-4 साल कम से कम भूल जाना, हमें नहीं याद करना, बस अपने ससुराल वालों की आराम की उनकी राहत की उनकी खुशी का ख्याल करना, ये चीज उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाना, ये है वो अंदाज़े तरबियत। इसी महत्व पर इसी तरह जो अशआर हैं, अशआर में जो और ज्यादा जज्बात होते हैं, बहुत जज्बात में एक जगह तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जरूर सुनाऊं, हमारी खाला को नसीहत करते हुए लिखा, मैं तकमील फराइज की तुझे तालीम देता हूँ, मोहब्बत और खिदमत की तुझे तलकीन करता हूँ, जहाँ तुम जा रही हो वो तुम्हारा घर है बेटी, हमेशा तुम इसे पेशे नजर रखना मेरी बेटी, नबी की बीवियों और बेटियों पर तुम नजर रखना, खदीजा आयशा की पाक सीरत पर नजर रखना, रुकैया फातिमा के तर्ज को पेशे नजर रखना, सहाबा जादियों के कारनामों पर नजर रखना, शराफत और इज्जत के तरीकों पर नजर रखना और अपने बाप दादा के उसूलों पर नजर रखना, कदम इस रास्ते में सोच कर रखना, खुदा हाफिज, मैं करता हूँ तुझे रुख्सत मेरी बेटी, खुदा हाफिज। सही बात बता रहा हूँ मैं कि अगर आप पूरी सुन ले और इन चीजों को अच्छी तरह पढ़ ले तो शायद आप में से कोई अपने आंसू रोक नहीं पाए। ये इस्लाम तरबियत का अंदाज था जो पूरी जिंदगी उनके नुमाया नजर आता है। इसी तरह एक चौथा पहलू, ये मैंने चंद बस झलकियां दिखाई है इन चीजों की, इनकी जिंदगी का एक बहुत नुमाया पहलू शराफत और मुरूवत था, लोगों के साथ शरीफाना तर्ज से अदब के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना, खानदान का ख्याल रखना, खानदान के हर छोटे बड़े दूर दूर के रिश्तेदारों का ख्याल करना, मेरे खुद उनके साथ आजमगढ़ के गोरखपुर के सफर हुए 2 मरतबा, इस तरह ढूंढ ढूंढ कर रिश्तेदारों के घर जाते थे कि हम लोग थक जाते थे कि चल चल के थक गए हैं, लेकिन नाना जी आपको थकन नहीं होती, और सिर्फ अपने रिश्तेदार नहीं ससुराली रिश्तेदार, फा तुम्हारी नानी की खाला है यहाँ रहती हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी आओ घर खरीद ले, उनसे भी आओ मिल ले, उनके घर भी आओ थोड़ी देर के लिए हो आए, ये इस तरह सबको जोड़े रखना, सबकी फिक्र करना, सबका ख्याल करना, सबके आराम की फिक्र करना, ये वो पहलू हैं जो समझने चाहिए हम सबको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और सीखने चाहिए, और इस मौके पर हमें इन पहलुओं को इन खुसूसियात को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश भी करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अपने कुर्ब के आला दर्जात अपने फजल से उनको अता फरमाए और उनके जाने से जो खरा हुआ है अल्लाह ताला की रहमत से उसको पुर फरमा दे और हम सबको उन्हीं के नक्श कदम पर बाआफियत चलने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।